ਉਹ ਤਕੜੇ ਹੱਥ ਅੱਜ ਵੀ ਡੰਗਾ ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਲਈ ਚੋਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਧਾ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਪਾਲਦੇ ਜੱਟ ਪੀੜੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਧਾਰਾਂ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੀ ਪਗਤ ਸਿਆ ਓਏ ਇੰਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ गुस्सा ना करी ही वीरया एक साइड करोड़ों लोगों का फ्यूचर है एक साइड एक बंदे का फ्यूचर है गाने वाले बहुत हैं पैसा कमाया ठीक है वो इतना कमा लिया कि मैं रोटी अच्छी खा सकती सेलिब्रिटी <laughs> जोन में तो आप लोगों से कनेक्ट ही नहीं कर पाते अच्छे से आप वो आपके तो बाउंसर ही नहीं हाँ वो इतना फेक फेक है बिलीव में वो फेक है ये रियल लाइफ है इसमें आप लोगों के साथ ग्राउंड पे जुड़ते हो लोगों की लाइफ चेंज कर सकते हो वहाँ पे आपकी लाइफ चेंज होती है वहाँ यहाँ पे आप करोड़ों लोगों की लाइफ चेंज करके एक अपने आप को साबित कर सकते हो कि रियल पॉलिटिक्स क्या है कई कई बार ना कोई लोग गुस्से हो जाते हैं ये इलेक्शन के टाइम से वोटें मांगने आते हैं ये वैसे नहीं आते तो मुझे उन पर गुस्सा थोड़ी आता है मुझे अच्छा लगता है कि मेरी जगह कोई करप्ट बंदा खड़ा होता उनको भी इन्होंने ऐसे बोलना था और वो डरते क्या बड़ी बात वो डरते जब तक ये इन लोगों में अग्रेशन नहीं आएगा अग्रेशन नहीं आएगा तो सिस्टम चेंज नहीं होगा वो मेरे लिए नहीं है वो सत्तर साल की करप्ट पॉलिटिक्स के लिए है यही है कि मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की इनका जो पैशन देख के देश को बदलने का और इसको इस पार्टी को नेशनल फोर्स बड़ी जल्दी और तेजी से बनेगी कोई भी नहीं रुक सकता पंजाबियों को इस बार सरकार बनानी है ये बनानी पड़ेगी हम लोगों को आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में है पंजाब आना हुआ हमारा आपके बदौलत बड़े मदत बाद आना हुआ अपने घर जैसा लगता है तो कैसे राजनीति में आना हुआ आपका कैसे मन किया कि गाय की और आर्ट लिटरेचर से अचानक राजनीति को चूज़ करना बड़ा चैलेंजिंग नहीं है जी सबसे पहले आपका हम स्वागत करते हैं हमारे एरिया में हल्का में और पॉलिटिक्स uh, ऐसे है कि आज जब से आम आदमी पार्टी आई है तो यूथ को थोड़ा सा आशा दिखी कि हम भी वहाँ पे आम घरों के बच्चे हैं आम घरों के लोग अरविंद जी ऐसे अन्ना आंदोलन के पहले वो स्ट्रगल कर रहे थे कि आपको गली गली में जाके बता रहे थे कि आप कितना टैक्स पे करते हैं आप क्या डिज़र्व करते हो आपके राइट्स क्या हैं तो वो जो उन्होंने आम लोगों के बच्चों को उठा के बनाया और ईमानदारी से काम किया तो हमारा यूथ का पहली बार इंटरेस्ट बना पॉलिटिक्स में और अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप ईमानदारी से अच्छे लोगों की लाइफ चेंज कर सकते हैं पॉलिटिक्स का यहाँ पे मतलब सेवा है यही यही कारण है इंटरेस्ट पहले भी था लेकिन कोई पार्टी नहीं थी जी आपने तेरह साल की उम्र में लंडन में एक प्राइज जीता बड़ा सरप्राइजिंग है क्या था वो इवेंट वो था वर्ल्ड फोक डांस कंपटीशन था और उसमें सभी कंट्रीज़ के फोक डांसर्स थे हमारा भांगड़ा गया था पंजाब से मैं कैप्टन थी टीम की तो वहाँ पे हमने फर्स्ट प्राइज लिया पूरे वर्ल्ड के फोक डांसर्स में पंजाब का फोक फर्स्ट आया वहाँ पे बीबीसी पे अच्छा सभी जगह उन्होंने अप्रिशिएट भी किया हमें अच्छा था वो थे तो स्कूल की तरफ से पंजाब की तरफ से एक्चुअली पंजाब की टीम थी पूरी हाँ जी उसके बाद रशिया में भी उसके बाद रशिया में हाँ रशिया में हम सेकेंड आए तो ये गिद्धा भांगड़े का शौक था मुझे काफ़ी पहले से अच्छा जी तो गायकी और लिरिक्स कब आपने शुरू किया गायकी यही गिद्दे भांगड़े से कुछ कंपनीज ने देखा यूथ फेस्टिवल में मैं यहाँ पे एमसीएम में पढ़ी हूँ तो यहाँ का यूथ फेस्टिवल था यूथ फेस्टिवल था तो वहाँ पे मेरी गिद्धा की परफॉर्मेंस थी तो वहाँ वहीं पे जो मिस वर्ल्ड पंजाबन में मैंने पार्टिसिपेट की और मैं मिस मोहाली बनी ब्यूटी कंपटीशन में तो ऑलराउंडर तो थी स्पोर्ट्स में भी जाने का पूरा इंटरेस्ट था वहाँ पे भी पंजाब लेवल की प्लेयर थी गिद्धा भांगड़ा भी अच्छा लगता था राइटिंग भी अच्छी लगती थी एजुकेशन में भी टॉपर्स में जरूर आती थी जहाँ पे भी बड़ी हूँ तो सभी जगह इंटरेस्ट था और फाइनली uh, मुझे लग रहा है कि अभी पॉलिटिक्स में आ गई हूँ सारा कुछ उसके बाद गायकी में गई गायकी में भी सैटिस्फेक्शन नहीं आई क्योंकि जो समाज में हो रहा है ना अगर हम नौजवान आवाज़ उठा सकते हैं तो हमें अपनी वो जेब भरने वाली पॉलिसी छोड़ के पंजाब के लिए अपने देश के लिए आगे आना पड़ेगा hmm. नहीं आएंगे तो हमारे जैसे बहुत लोग पीछे बैठे रहेंगे फिर हम बोलते हैं पॉलिटिक्स में यूथ क्यों नहीं आता ईमानदार hmm. लोग क्यों नहीं आते जब से केजरीवाल जी ने hmm. पॉलिटिक्स में एंटर हुए हैं तो देश के लाखों जो युवा हैं वो पॉलिटिक्स में जाने की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने इनक्रेज किया हम लोगों को ईमानदारी से सियासत करने की जो नीति दी है स्पोर्ट्स में क्या खेलते थे आप स्पोर्ट्स में मैं शॉर्टपुट प्लेयर बहुत अच्छी थी ये डिस्कस, -पुट बहुत अच्छा था मेरा ठीक yes. ठाक प्लेयर थी ज्यादा प्रैक्टिस नहीं की तो ज्यादा आगे नहीं जा पाई लेकिन पंजाब लेवल तक अच्छी थी वैसे आजकल दूर तक फेंकने वाले बहुत आगे तक जा रहे हैं और क्या इवेंट था जिसने आपको अचानक से राजनीति में इंटरेस्ट पैदा किया आपका एक्चुअली ये ऐसा नहीं है कि कुछ सडन हुआ और मैं पॉलिटिक्स में आई बचपन से ना मैं थोड़ी थोड़ा सा सोसाइटी को लेके सोचना कि ये गलत हो रहा है जो आ, मम्मी से क्वेश्चन करना कि मम्मी ये पॉलिटिशियन किसके लिए बनते हैं क्योंकि बचपन में कुछ बातें नहीं भी पता होती तो जो चिंतन था वो डे बाय डे डे बाय डे इनक्रीज़ होता गया जब मैं सिंगिंग में भी रही तो मैंने हर स्टेज के ऊपर शरआम जो रूलिंग गवर्नमेंट से उनकी आवाज़ उठाई चाहे मेरे कॉन्सर्ट्स कैंसिल हो चाहे मुझे कोई क्योंकि वो जब आपके अंदर है ना कि आप सोच रहे हो कि सोसाइटी में क्या आप अवेयरनेस है आपके अंदर जो हर एक इंसान में होनी चाहिए हर एक नागरिक में होनी चाहिए वो चीज़ क्या थी कि वो जा नहीं रही थी सेटिस्फैक्शन नहीं आ रही थी कि पैसा कमा के क्या करेंगे जब सोसाइटी पीछे है जब एरिया ही सुंदर नहीं है जब कोई फैसिलिटीज़ नहीं है लोगों के पास बेसिक्स नीड्स उनकी पूरी नहीं हो रही तो हम आम घरों के बच्चों को युवाओं को पॉलिटिक्स में उतरना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वहीं पे जाके कई लोग बोलते हैं कि पॉलिटिक्स में सबसे बड़ा काम ही आप पॉलिटिक्स में कर सकते हो आपके पास लोगों का टैक्स है आप लोग रूल्स मेकर हो आप रूल्स क्रिएट कर सकते हो लोगों को एक गाइडेंस अच्छी दे सकते हो तो ब्यूरोक्रेसी से लेकर नीचे जितनी करप्शन चलती है अगर पॉलिटिशियन ऊपर ठीक है मुझे नहीं लगता कि सिस्टम ख़राब हो सकता है क्योंकि करप्ट सिस्टम बाद में होता है सबसे पहले पॉलिटिशियन hmm. करप्ट होता है तो अच्छे लोगों को आना ज़रूरी है मैं नहीं बोलती कि मैं अच्छी हूँ लेकिन कोशिश कर रही हूँ कि ईमानदारी से सारा काम करेंगे जैसे अरविंद जी की सोच है उनके साथ जुड़ के अच्छे से सोसाइटी में कुछ चेंज लेके आएंगे जी बहुत बड़ा सपना है एज अ महिला राजनीति में होना कितना मुश्किल है देखिए महिला होने के आपको अगर आपकी सोच अच्छी है ना तो फिर आप ये बाउंड्री क्रॉस कर देते हो महिला और पुरुष की जब आपकी सोच है आपके जवाब है कि आपके साथ खड़े शायद पुरुष को वो बात ना है जो आप महिलाओं के बोल सकती हो एक तो सबसे बड़ी जो बंदे की सोच है आपके ख्याल कितने बड़े हैं वो मैटर करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं मेल डोमिनेटिंग थोड़ी बहुत सोसाइटी तो है ही यहाँ महिला को डोमिनेट किया जा सकता है लेकिन मुझे इतना कभी अपने करियर में ना ही सिंगिंग में ना ही इधर कोई इतना स्ट्रगल करना नहीं पड़ा अप्रिशिएशन ही मिली है जब से आई हूँ पार्टी में अप्रिशिएट किया है यूथ विंग प्रेजिडेंट लगा दिया सो मेरे मुझे तो नहीं लग रहा मुझे कोई स्ट्रगल करनी पड़ी है मैंने तो काम किया है और काम को पार्टी ने अप्रीशिएट किया है जी पंजाब को लेकर क्या सपने हैं आपके क्या चीज़ें हैं जो बुनियादी तौर पे आप बदलना चाहते हो यदि आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है बनने जा रही है ऐसा बहुत सारी सर्वेस दिखा रहे हैं तो क्या सपने होंगे जो उनको आप पूरा करने के लिए मशक्कत करिएगा देखिए पंजाब को पंजाब हमारा सोने की चिड़ी बोला जाता है हमारे पंजाब को पंजाब में मेहनती लोग हैं बहादुर लोग हैं दिलदार लोग हैं दानी लोग हैं इनको इन्होंने दिल खोल के सब लोगों को मौके दिए काली को दिए कांग्रेस को दिए लेकिन वो सुधरे नहीं वो भी पंजाबी थे बेशक उन्होंने पंजाब के साथ गद्दारी की उन्होंने ये बात नहीं सोची कि कितने बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ हमारे गुरुओं ने दी है संतों ने दी है हमारे शहीद हुए इतने कि इतनी कुर्बानियों के बाद हमने ये धरती को हरा किया है पहले लाल खून से रंगी हुई थी उसके बाद भी अभी जो हमारे पंजाब के लोग हैं ना उसको उनको उम्मीद है कि शायद इस बार कोई अच्छा जो सिस्टम चेंज हो और बढ़िया सिस्टम आए और हमारे जो नौजवान हैं जो बाहर जा रहे हैं कैनेडा अमेरिका में वो इधर ही रुके उसके लिए सबसे पहला काम ये है कि यहाँ से करप्शन ख़त्म की जाए क्योंकि करप्शन ख़त्म तो सिस्टम ऑटोमेटिक जो है तो उसका ठीक होना शुरू हो जाएगा करप्शन ख़त्म होनी चाहिए आप एग्रीकल्चर हमारा जो स्टेट है वो एग्रीकल्चर बेस्ड है हमारे ज़्यादातर लोग किसान हैं किसानों को एमएसपी मिले अच्छा मंडीकरण सिस्टम हो हमारे लोग वीट और पैडी में फंसे हुए हैं झोना और कपाह के सर्कल से वो झोना हो गया और कण के सर्कल से वो बाहर नहीं आते हैं। नहीं। और पैडी पानी बहुत लेती जिसकी वजह से जो हमारा वाटर लेवल है वो बहुत डाउन चला गया नहीं। तो सरकार इन दो जो चीज़ों पे एमएसपी दे रही है और जो चावल हम पंजाब में बीज रहे हैं वो हम खाते नहीं हैं वो बाहर भेजते हैं और वो एक्सपोर्ट करते हाँ एक्सपोर्ट करते हैं हाँ, तो वो धरती से पानी बहुत ज़्यादा खींचता है ना तो पानी की प्रॉब्लम आ रही है एक तो पंजाब को ट्यूबवेल बहुत बहुत डाउन जाके हमें लगाने पड़ रहे हैं so, सो सरकार को पॉलिसी लेकर आनी चाहिए जैसे हम पहले हमारे पंजाब में बीज बीए जाते थे सूरजमुखी के मूँगफली के और दालें बीजते थे हम लोग पंजाबी तो ये सरकार ने ना टोटली इन पर एम देनी मंडीकरण ख़त्म करके डेड कर दिया आज सोलह हज़ार करोड़ का जो दालों का बिजनेस है सरकार इंपोर्ट कर रही है बाहर से तो आपने अपने क्यों बंद किया हम लोगों को सिर्फ कणक और झोने ऊपर क्यों छोड़ रहे हो आप लोग अब इसकी अच्छे से सभी फसलें हो सभी फसलें बीजें और हम रेवेन्यू किसान का बढ़े एम दो गर, उसको श्योर करो हर एक चीज़ को सो खेती को अच्छा किया जाए करप्शन खत्म की जाए इंडस्ट्री अपने आप अप डेवलप होगी जब यहाँ पे डिमांड पैदा होगी किसान की जेब में पैसा आ गया मज़दूर की जेब में पैसा आ गया उसने जाना किधर है दुकान पे जाना है दुकान ने कहा से मंगवाना इंडस्ट्री से मंगवाना इंडस्ट्री में लेबर पैदा होगी तो ये पूरा सर्कल चलता है आपस में बहुत बड़ा चेंज की जरूरत है क्रॉप रोटेशन एक बहुत साइंटिफिक और एविडेंस बेस्ड फार्मिंग का तरीका हुआ करता था हां जी। हम चार से पांच फसलें उगाया करते थे पंजाब हरियाणा और अब दो फसलों पे आ गया जैसे आपने बताया हां जी, और उसमें चावल क्योंकि एक किलो चावल के ऊपर लगभग लगभग पाँच सौ लीटर पानी की खपत हो जाती है तो जी, जी, जो क्रॉप रोटेशन हमारी डिस्टर्ब हुई उसकी वजह से हमारी ऑर्गेनिक

सरकार अवेयरनेस नहीं स्प्रेड कर रही वो ज्यादा झाड़ देने के चक्कर में लोगों को जहर खिला रहे हैं और हम पूरे पंजाबी जहर खा रहे हैं वो लोग जो अपनी सेहत के लिए जाना जाते थे, थे।, थे, 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 थे।, थे पूरी दुनिया जहर खा रहे हैं और एक एकड़ पे मान लीजिए दस बोरी डीएपी की सरकार के नॉम्स है की अलाउड है आज वहाँ पचास डल रही है साठ डल रही है और सरकार सोई पड़ी है सोई पड़ी है आइए बैठ के बात करते हैं बहुत खूबसूरत नज़ारा है पंजाब की जमीन में पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स ने इस तरह से जहर बोल दिया कि अब यहाँ से बठिंडा से जो एक ट्रेन चलती है के लिए उसका नाम कैंसर कैंसर ट्रेन ट्रेन है क्यों हुआ ऐसा क्या ऐसा बदला कि जहाँ पंजाब का किसान मेहनत के लिए और अपनी किसानी के लिए जाना जाता था वो अभी किसके चंगुल में आया कि पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर इस तरह से प्रयोग कर रहा है कि जमीन जहर बन चुकी है देखिए पहले हमारी जो ऑर्गेनिक खेती थी लोग हमारे एक एक गिलास देसी घी का पी जाते थे प्रॉब्लम नहीं आती थी आज हर बंदा बीमार है पंजाब में हर बंदा मेडिसन पे लगा हुआ है इसका आप जैसे आपने बताया कि बठिंडा में कैंसर ट्रेन चल रही है यहाँ पे वहाँ पे ज़्यादा केसेस हैं लेकिन ऑल ओवर पंजाब में जो कैंसर पेशेंट्स हैं वो बढ़ रहे हैं उसका कारण ये है कि हम रोज़ खाने में जहर खा रहे हैं दूध भी इंजेक्शन वाला है खाना भी इंजेक्शन वाला है या पेस्टिसाइड्स इतने हैं ये जो बाहर की कंट्री जैसे यू एस ए ने स्पेशली यू एस ए ने और यूरोपियन कुछ कंट्रीज़ ने इतना प्रचार किया यूरिया का पेस्टिसाइड्स का अपने कंट्रीज़ में बैन है अपने कंट्री का किसान इन चीज़ों को यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि उन्होंने ऑर्गेनिक खाना है अपने कंट्री को हेल्दी रखना है लेकिन उनको लगता है कि जो भारत के लोग हैं जो पंजाब के ऐसे एग्रीकल्चर स्टेट हैं इन लोगों को पैदावार की ऐसे झांसे में देके और वो जो गवर्नमेंट थी वो कर नहीं सकती थी अगर हमारी सरकार सोच समझ के स्टैंड लेती हमारा देश आजाद हुआ हरी क्रांति आई दूध की क्रांति आई तो उसमें जो पैदावार बढ़ाने की जो लालच लोगों को दिए गए उसी वजह से जो पेस्टिसाइड्स की दिन रात हमारी सरकारों ने मिलकर उसमें प्रचार किए उसी वजह से जो हम लोग हैं आज बीमारियों से पीड़ित हैं बुरी हालत है यहाँ सब लोगों की मतलब कि खाना खाने से हमें पता होता है कि हम खाने के साथ जहर भी खा रहे हैं फिर भी हम लोग आज भी निकल सकते हैं ऑर्गेनिक खेती की ओर जा सकते हैं लेकिन पंजाब के लोगों को समझना पड़ेगा पंजाबियों को जो तक साढ़े लोग नहीं ये गलत समझते ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਚੰਗਾ ਸਾਨੂੰ ਐਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਜਿੱਦਨ ਅਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋਗੇ ਲੋਕ ਸਿਆਣੇ ਹੋਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਉਣੀ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਕੀਮਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਕੀਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਬਾਇ 1겟1 ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਬਾਇ 1겟1 ਹਾਂਜੀ ਪੂਰਾ ਏਡ ਕਰਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ੁਰੂ-ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਸki ਬਿਗਨਿੰਗ ਥੀ ਤਬ ਸਭ ਕੁਝ ਫ੍ਰੀ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਫ੍ਰੀ ਦੀਆ ਫ੍ਰੀ ਫ੍ਰੀ ਮੈਂ ਵੰਡਾ ਜਦ ਜੂਸ ਟੂ ਹੋ ਗਏ ਲੋਕੋ ਨੂੰ ਲਗਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਣੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਬ ਲੋਗੋ ਨੇ ਖਰੀਦਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਆ ਜੈਸੇ ਜੀਓ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਪਹਿਲੇ ਫ੍ਰੀ ਦੀਆ ਜਦ ਯੂਸ ਟੂ ਹੋ ਗਏ ਤ पंजाबी मेरे दोस्त हैं यार हैं उनसे बात होती है तो पंजाब में किसानी की समस्या नशे की समस्या बेरोजगारी की समस्या और तमाम ऐसी छोटी बड़ी समस्याएं हैं जिनको लेके चेंज चाहता है पंजाब चेंज चाहता है करप्शन करप्शन एक बहुत बड़ी समस्या बहुत बड़ी समस्या है।, समस्या है पूरे देश की है पूरे देश की मतलब पॉलिटिशियन क्या कह रहा है कैसा दिखता है कैसा कैसी बात करता है किस समुदाय से आता है किस जाति को रिप्रेजेंट करता है इस सब पे बात होती है वो करता क्या है क्या चेंज लाने की बात करता है कितने वादे निभाता है इसकी कोई बात नहीं करता हाँ। तो आम आदमी पार्टी में क्या आपको लगता है कि ये माहौल बदलेगा इससे देखिए आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में जो सिस्टम चेंज किया उनंजा दिनों की सरकार बनी उनंजा दिनों में वो डर था कि करप्शन मत लेना केजरीवाल आ जाएगा करप्शन ज़ीरो हो गई थी लोग डरते थे कि केजरीवाल को पता चल जाएगा क्यों इनजा दिनों की सरकार के बाद सत्तर में से साठ सीटें लेकर सरकार जीती क्योंकि लोगों ने इनंजा दिनों में वो ट्रेलर देखा वो चेंज देखा कांग्रेस ज़ीरो कर दी और आम आदमी पार्टी कैसे जीती वहाँ पे जो ये ईमानदारी से इनका काम करने का तरीका है इस बार हम लोग पंजाब जीतेंगे ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਲੋਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੀਡਰ ਡੂੰਡ ਰਹੇ ਹੈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਓ ਕੋ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਕੀ ਹੈ ਲੀਡਰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਅਸੀਂ ਲੀਡਰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁਣਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਮੂਰਤੀ सो so, जब जब तक हम लोग ये बटन सही नहीं दबाते जब हम इन लोगों को चूज़ नहीं करेंगे एक बार आम आदमी पार्टी को मौका देकर सानू सानू देना पैना आम आदमी पार्टी को मौका जब तक नहीं देते पता नहीं चलेगा क्योंकि अगर वहाँ पे एम भी है वहाँ पे आ, कितना फिफ्टी परसेंट जो इन, इनके पास अधिकार खेतर है केजरीवाल जी के पास और जब इन्होंने उनंजा दिनों की सरकार बनाई तो मोदी ने एंटी करप्शन ब्यूरो है वो टोटली अपने अंडर कर लिया पता था कि केजरीवाल ने छोड़ना किसी को नहीं है ना इसने कोई अंबानी अडानी किसी को नहीं बख्शना तो क्यों इतना डर था लेकिन अगर पंजाब में हमारे पास सरकार बनाते हैं, फुल स्टेट होगा तो हम पूरे देश को ये मॉडल बनाकर दिखाएंगे जब मॉडल बना ये लोग सभी सरकारें हमारे क्यों आज इसलिए अंगेज है कि अगर केजरीवाल ने पंजाब में सरकार बनाई तो इन्होंने मॉडल बनाना है इन्होंने करप्शन ख़त्म करनी है इन्होंने माफ़िया ख़त्म करना है इन्होंने रेवोल्यूशन लेकर आनी है इन्होंने कुछ नहीं बेरोजगारी का हल निकालेंगे तो हम क्या बोलेंगे हम सत्तर सालों में क्या करते रहे हमारा सत्तर साल का काम तो पर्दाफाश हो जाएगा हम तो टोटली पब्लिक के सामने दिख जाएंगे कि हमने सत्तर सालों में किया तो सभी पार्टीज का पूरा जोर लगे कोई भी आ जाए आम आदमी को मत आने दो हमारा पर्दाफाश होने को टाइम नहीं लगेगा और जिस दिन आम आदमी पार्टी पंजाब में सरकार बनागी दुनिया की को कोई ताकत नहीं है जो नेशनल फोर्स बनने से आम आदमी पार्टी को रोक सके हम सरकार बनाएंगे क्योंकि जब पंजाब में चेंज आया तो उत्तराखंड भी बोलेगा ये क्या हुआ बिहार भी बोलेगा ये क्या हुआ यूपी भी बोलेगा ये क्या हो रहा है तो सभी को वो चाहिए ना सभी को रोजगार चाहिए सभी को करप्शन फ्री मॉडल चाहिए सभी को डेवलपमेंट चाहिए सभी को बेसिक नीड्स चाहिए जब पंजाब के लोगों ने ये देखा उन्होंने पंजाब हो रहा है तो नेशनल फोर्स बनने से कोई नहीं रोक सकता इसी बात के डर से सभी पार्टियां हमारे पीछे लगी हुई हैं आज के टाइम ये पंजाबियां ने सोचना कि असि अपना डेवलपमेंट करावनी है कि बच्चियां नु बाहर भेजना कि नशियां ते लाना कि अध्यापका नु टैंकियां ते चढ़न ले मजबूर करना की असी सिस्टम सारा अपना खराब रखना एक मौका आम आदमी पार्टी को देना हर हालत में देना पड़ेगा कहते हैं पिछली बार के चुनाव में पंजाब में अकालियों ने भी कांग्रेस को वोट ऐसा सोचा देखो इनकी मैंने आपको तभी ये बात बोली ना कि ये पार्टियाँ को पता है कि अकाली आ गए तो अकालियों ने पाँच साल काम करना नहीं है वो लोग परेशान हो के फिर कांग्रेस चुनेंगे कांग्रेस के बाद अकाली चुनेंगे इनका साइकिल है ये करप्शन का मॉडल टूट नहीं रहा जब तक दो करप्ट पार्टी हैं उसमें से तीसरी ईमानदार पार्टी नहीं आती तब तक कोई सोसाइटी चेंज नहीं हो सकती लोगों को और अभी आप देखो कितने इनका काम करने का ढंग देखो आम आदमी पार्टी से केजरीवाल के काम करने के तरीके को देख के ये लोग अभी अपने काम करने का तरीका चेंज कर रहे हैं ये हमारी प्राप्ति है स्वास्थ्य की बात करने स्वास्थ्य की बात करने लगे हैं ये सब बातें करने लगे हैं और हमारे ये ऐसे भी कि केजरीवाल ये फ्री दे रहे हैं केजरीवाल वो फ्री दे रहे हैं ये फ्री क्यों फ्री ਲੋਗੋ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਹਮ ਲੋਗ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਹਮਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਗ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਇਹੋ ਜੀ ਕਹਿਓ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਿਜਲੀ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਣਾ ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਨੀਡਸ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ 20000 ਲੀਟਰ ਦਿੱਲੀ ਚ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਫਰੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 20-20 ਲੱਖ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਫਰੀ ਨੇ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਸਟ ਫਰੀ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਬੈਠਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਉੱਥੋਂ ਮੈਡੀਸਨ ਫਰੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਟ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨ ਲਰਨ ਫ্রম ਡੈਲੀਜ਼ ਮਹੱਲਾਸ ਕਲੀਨਿਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਕੰਟਰੀ ਜਿਸਕਾ ਕੰਟਰੀ ਕਾ ऐसे माना जाता है कि इनसे ऊपर इस कंट्री के सिस्टम से ऊपर कुछ नहीं वो बोल रहे हैं अमेरिका का फेल्ड सिस्टम दिल्ली के मोहल्ला फ्री मोहल्ला क्लिनिक से क्या सीख सकता है क्या ये प्राप्ति नहीं है आज तक किस दुनिया के ऐसे पॉपुलर न्यूज़पेपर ने हमारे इंडिया के किस कोने के लिए बोला है कि ये चीज़ हो जाए और अमेरिका के प्रेजिडेंट की धर्मपत्नी द फर्स्ट लेडी वो इंडिया आ रही है उसने बोला मैंने इंडिया आ स्कूल देखना है तो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर को एक स्कूल दिखाया वो स्कूल किसका था केजरीवाल का <laughs> वो केजरीवाल का स्कूल था <laughs> तो ये हमारी प्राप्ति है महला क्लिनिक की अमेरिका में बात हो रही है हमारी हैप्पीनेस क्लासेस की कैरिकुलम की अमेरिका में बात हो रही है दो दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री है और एक बात हम जब हमारा फौजी शहीद होता है एक करोड़ रुपया देता है दुनिया का कोई भी कंट्री इससे बड़ी राशि नहीं देता अमेरिका एक लाख डॉलर देता है कितने बन गए पचहत्तर लाख सिर्फ केजरीवाल सरकार है जो एक करोड़ एक फ़ौजी के शहीद होने पर दे रहे अगर कोई सरकार देती है कोई स्टेट देती है दुनिया की कंट्री देती है इतना सम्मान देती है तो हमें बताया जाए ये केजरीवाल का स्टाइल है काम करने का जिसने सीसीटीवी कैमरे लगा लिए पैनिक बटन लगा दिए जीपीएस लगा के बसों में लेडीज़ की सुरक्षा के लिए जिसने सीसीटीवी कैमरे आबादी के हिसाब से दुनिया में सबसे ज़्यादा दिल्ली में है जितनी पॉपुलेशन की हम डेंसिटी देखें तो वहाँ पे मार्शल अपॉइंट कर दे कि लेडी सुरक्षित लेडी का बस सफर फ्री है ताकि लेडी को बाहर आने जाने लगे कोई प्रॉब्लम ना आए क्या नहीं किया उन्होंने ऐसे थोड़ी केजरीवाल केजरीवाल हो रही है उनकी ईमानदारी बोल रही है तो पंजाब में सरकार यदि बनती है आम आदमी पार्टी की आपको तो क्या लगता है युवाओं की अपेक्षाएं क्या होंगी सरकार से देखो युवाओं की सबसे बड़ी अपेक्षा इस टाइम रोज़गार है उन्हें रोज़गार चाहिए उन्हें अच्छी तनख्वाह चाहिए वो नहीं चाहते कि बाहर जाएं, वो नहीं चाहते कि वो पढ़ लिख के डिग्रियाँ लेके दर बदर भटकते रहें और कुछ लोग तो बाहर भी नहीं जा सकते बेचारे इधर के ना उधर के तो जो युवा है वो फंसा हुआ है और हमारी जो सरकारें हैं वो खुद धंधा चला रही हैं ड्रग ड्रग बेच रहे हैं हमारे पॉलिटिशियंस के हाथ है अभी हमारी एक दो तीन रिपोर्टें पड़ी है कोर्ट के रिस्पेक्टेड कोर्ट के पास उनको खोला जाए उनको दिखाया जाए उनको मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि उनको दिखाया जाए उन, उनमें किसके नाम है तो ये जो धंधा चला नौजवानों से रोजगार छीना गया डेवलपमेंट बंद की गई खेती बाड़ी को ठप किया गया एम दो फसलों से ज़्यादा किसी पर देते नहीं हैं और स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू नहीं करते स्वामीनाथन जिसका कम से कम हमें तीन तक कन का रेट मिलेगा उसके अकॉर्डिंग सभी फसलों पर एम दी जाए तो ये जो सारा सिस्टम होगा ना जैसे फसलों पे एमएसपी एस की रोज़गार पैदा हो जाएगा जो हमारे लेबर है उनका बढ़ेगा इंडस्ट्री लगेगी तो वहाँ पे रोज़गार मिलेगा कुछ और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लेकर आओ नीयत चाहिए नीति चाहिए सब पॉसिबल है बंदे के पास काम करने की शिद्दत चाहिए उसको पता है मरना है साथ में कुछ नहीं लेकर जाना ना ही अगले जन्म में कुछ लेकर आना है सोने की रोटी नहीं खानी और चार बंदे उठाएंगे सभी को सो ये एक थिंकिंग चाहिए कि लोगों की मोहब्बत दुआएं लोगों को साथ में लेकर चलो सोसाइटी आपके साथ आगे बढ़ती है तो वो इज्जत की जिंदगी बहुत बड़ी चीज़ है आपने जब राजनीति में प्रवेश किया तो आपका एक सेटल्ड कह सकते हैं करियर था और अपने करियर में बहुत अच्छा कर रही थी आप जानी मानी पंजाब की गायिका थी अच्छी एक थी और आपने एक छोटी सी उम्र में अपनी किताब भी लिखी है हाउ टू बी रियल ह्यूमन कहाँ से ख्याल आया क्या है कुछ इस किताब के बारे में बताइए और फिर कैसे आपने अपना ये करियर दाव पर रख के राजनीति को चूज किया देखिए लिखना तो मेरा शौक है जैसे मैंने असली इंसान कैसे बने ये मेरी किताब का टाइटल थी असली इंसान के में बनी एंड इसका बचपन से ना थोड़ी इसे सोचने की आदत है जैसे कोई झगड़ रहा है ये क्यों झगड़ रहा है दो लोगों में बनती नहीं है चार लोग बेफालतू के एक दूसरे के बहस में पड़े हैं तो ये क्या है कुछ लोग पेड़ काट रहे हैं कुछ लोग जानवरों को मार रहे हैं ये क्यों नहीं समझते है? कि ये दुर्लभ है ये हमें इनकी प्रोटेक्शन करनी है मतलब जो एक दूसरे को मार मार के पेड़ों को जानवरों को और इंसान इंसान को टॉर्चर मेंटली टॉर्चर करके आगे बढ़ रहा है दुनिया में तो उससे क्या था कि मुझे आई डोंट नो कि मुझे थोड़ी सी उससे परेशानी होती थी होता है ऐसे कभी -कभी के साथ होता है मैं टीनेज में थी एक, तो मैंने लिखना स्टार्ट कर देखिए हमारी धरती कैसे बनी कब लिखना शुरू किया आपने? ये मैंने 18 साल की उम्र की थी जो मैंने, अच्छा, हाँ, मैंने की तो प्लस टू मैंने क्रॉस की थी ग्रेजुएशन में ग्रेजुएशन में थी उसमें मैंने ये लिखा की थोड़ा स्टडी किया साइंस का अच्छे से कि हम बने कैसे कितने टाइम की रेवोल्यूशन के बाद लाखों करोड़ों साल लगे रेवोल्यूशन आई कैसे ह्यूमन बींग पैदा हुआ और हमें ये धरती मिली कैसे हमारे बुज़ुर्गों ने आविष्कार किए खोज उसके बाद हम लोग ये नॉर्मल ह्यूमन बींग हमारे पूछे तक होती थी तो इंसान को समझना चाहिए कि ये इंसानी जीवन मिलने के लिए हमें बहुत स्ट्रगल लम्बा करना पड़ा है और अभी हमारे पास एवरेज 80 साल होते हैं चलो 100 साल लगा लो कोई अच्छा खुश है जिसके बच्चे प्यार करते हैं टेंशन नहीं है वो सौ साल भी जी लेता है तो वो सम इंसान को समझना चाहिए कि जिस दौड़ में लगी हम सभी एक करेक्टर प्ले कर रहे हैं hmm. हमारा मूवी तीन घंटे की होती है हमारी जो पिक्चर है लाइफ की वो सौ साल की है और हमने मरना है और हमारे मरने के बाद भी दुनिया ऐसे ही चलेगी और जितना टाइम आप जीते हो कुछ ऐसा कर जाओ कि आपकी सोच जिंदा रहे आपकी जो ख्याल किसी ने आपकी आपने किसी की हेल्प की क्योंकि जो लोग ऐसे बिना कुछ किए मर जाते हैं और दूसरों को नुकसान पहुँचाए उसको कोई याद नहीं करता तो कम से कम दुनिया में रहते हो किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो अगर भला कर सकते हो तो आप बहुत अच्छे इंसान हो सो so, कुछ उस बुक में रिश्तों की का कीमत इंसानी ज़िंदगी की कीमत ये सब मैंने वो जो टीनेज में एक बच्चा एक्सप्लेन कर सकता है वो सारा कुछ मैंने उसमें एक्सप्लेन किया क्या बात है तो साइकोलॉजी में आपका आपने ग्रेजुएशन साइकोलॉजी में किया आपने बताया जी तो साइकोलॉजी में इंटरेस्ट कैसे आया यही यही बात के लिए जो सोचना ज़्यादा सोचना ओवर थिंकिंग ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम थी मुझे सोचते रहना जैसे लोगों का सोकर दिमाग बंद हो जाता है मेरा वहाँ रात को चलते रहना ये क्या हो रहा है जो मतलब जिस उम्र में लड़कियाँ पिक्चर्स देखती है तब मैं किताबें लिखने में, में मेरे बिजी रहता था मुझे वो आउटिंग करनी पिक्चर्स देखनी उनसे मैं दूर थी उन चीज़ों से मेरा कुछ कभी कभी लगता था कि मैं भी दूसरे बच्चों जैसे आराम से बेफिक्र होकर जीऊँ तो यही सारा जो सिस्टम था उससे साइकोलॉजी ले ली साइकोलॉजी में थोड़ा सा चलो आप टेक्निकल स्टडी भी करते हैं कि कैसे ब्रेन काम करता है कैसे केमिकल्स रिलीज होते हैं सारा कुछ मुझे था कि मैं इंस्पिरेशनल स्पीकर बनूँ अच्छी कि लोगों को इंस्पायर करूँ मोटिवेट करूँ जिंदगी जीने के लिए तो पॉजिटिव करने के लिए बस ऐसे ही फिर उसके बाद गायकी में चली गई पता नहीं चला गायकी के बाद पॉलिटिक्स में आ गई तो फाइनली अभी मुझे लग रहा है यहाँ पे ठीक है तो सेटल करियर आपने क्यों छोड़ दिया मतलब उसकी क्या कॉस्ट थी बड़ा नामी आप पंजाब की बड़ी नामी सिंगर रही हैं इंस्टाग्राम पे आपके लाखों लाख व्यूज़ आते हैं हर वीडियो के एक मैं आपका पंजाबी आने दी पंजाब आते आते मैं आपका एक सॉन्ग सुन रहा था उसके वन मिलियन व्यूज़ थे तो इतना शोहरत के लोग पीछे भागते हैं तो बनी बनाई शोहरत को ठुकरा कर राजनीति में प्रवेश करना और वो भी छोटी उम्र में ये बड़ा हौसले की ज़रूरत है इसके लिए तो कोई मोमेंट या कोई लम्हा कोई ऐसा हाँ, वाक्य हो जिसने आपको राजनीति में प्रवेश करने के लिए बोला करियर को छोड़ना एटलीस्ट बहुत छोटी बात नहीं है देखिए एक तो करियर कैसे है कि इसकी कॉस्ट ये है कि हमारे पंजाब का फ्यूचर है एक साइड एक साइड मेरा फ्यूचर है एक साइड करोड़ों लोगों का फ्यूचर है एक साइड एक बंदे का फ्यूचर है गाने वाले बहुत हैं पैसा कमाया ठीक है वो इतना कमा लिया कि मैं रोटी अच्छी खा सकती हूँ मुझे कभी ऐसे नहीं कि मैं शाम की रोटी नहीं मिलेगी सुबह की नहीं मिलेगी तो पैसा कुछ भी नहीं है साथ में नहीं जाता और जितना लिया उसमें मैंने देख लिया मुझे कोई दुख नहीं है मैं ऐसे यहाँ पे बोलूँ अरे मैंने बड़ा बहुत बड़ा सेक्रीफाइस कर दिया छोड़ दिया तो छोड़ दिया उसमें डिंडोरा बिटने वाली बात नहीं है ये भी अच्छा है इसमें आप लोगों मैं अभी आपने देखा कि लोग पूछते हैं बुलाते हैं शाम तक लोगों को प्यार लेती हूँ वो बहुत बड़ी बात है वहाँ पे तो आप लोगों के पास सेलिब्रिटी जोन में तो आप लोगों से कनेक्ट ही नहीं कर पाते अच्छे से आप वो आपके तो बाउंसर ही नहीं पास में, में रहते हो हाँ वो इतना फेक फेक है हाँ। बिलीव मी वो फेक है ये रियल लाइफ है इसमें आप लोगों के साथ ग्राउंड पे जुड़ते हो लोगों की लाइफ चेंज कर सकते हो वहाँ पे आपकी लाइफ चेंज होती है वहाँ यहाँ पे आप करोड़ों लोगों की लाइफ चेंज करके एक अपने आप को साबित कर सकते हो कि रियल पॉलिटिक्स क्या है रियल मुझे सिर्फ ये दिखाना था कि पॉलिटिशियन कितने काम कर सकता है कितना इन लोगों के पास पैसा होता है पब्लिक का और ये कैसे अपने बैंकों में जमा करते हैं अभी फ्री देने के लोगों को उनका पैसा वापस दे रहे हैं अच्छी बात है कि या वही पैसा इन पॉलिटिशियन के बैंक खातों में जाए वो अच्छी बात है हाँ जी पंजाब समझ रहा है आपके आप अपनी कॉन्स्टिटेंसी में जब लोगों से मिलते हो यूथ से मिलते हो उनको उनकी आँखों में वो जज्बा वो प्यार वो एक रेस्पेक्ट मिलती है कि आप अपना सेटल करियर चू छोड़ के राजनीति में कुछ उनके लिए करने आए हो देखिए पंजाब के लोग फ्रस्ट्रेट हैं वो उस दिन समझेंगे जब मैं यहाँ पे इस बार इलेक्शन जीत के काम करूँगी अच्छा। काम करके भी फिर लोग लोग जब लोग कई, कई बार ना कई लोग गुस्से हो जाते हैं ये इलेक्शन के टाइम से वोट मांगने आते हैं ये वैसे नहीं आते तो मुझे उन पर गुस्सा थोड़ी आता है मुझे अच्छा लगता है कि मेरी जगह कोई करप्ट बंदा खड़ा होता उनको भी इन्होंने ऐसे बोलना था और वो डरते क्या बड़ी बात वो बात। डरते जब तक ये इन लोगों में अग्रेशन नहीं आएगा अग्रेशन नहीं आएगा तो सिस्टम चेंज नहीं होगा वो मेरे लिए नहीं है वो सत्तर साल की करप्ट पॉलिटिक्स के लिए है तो मैं मैंने ऐसे ऐसे केस देखे जो भड़के हैं और बाद में मेरे को हक करके वो फूट फूट कर रहे हो वो लोग मैं जब पकड़ती हूँ कि अम्मा मेरे पे एक बार विश्वास करो मैं आपकी बेटी हूँ मैं करके दिखाऊंगी मुझे एक मौका देना है मत देना उसके बाद तो वो पंजाब के लोग उस टाइम सब मानेंगे जब मैंने काम किए यहाँ पर रेगुलेशनरी काम किए सिस्टम चेंज किया लोगों को बेटर लाइफ दी बेसिक नीड्स दी डेवलपमेंट करवाई तब लोग बोलेगे हाँ उसने सेक्रीफाइस करके लड़की ने इधर चुना अभी तो ऐसा भी लगता है कि शायद कोई लालच हो पॉली पॉलिटिक्स का इमेज क्या है आपको पता है ना पंजाब में जी पंजाब में नशे की एक समस्या बहुत ज़्यादा फैली हुई है पंजाबी सॉन्ग्स का पंजाबी कल्चर का कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है कि हम पंजाबी लोग शराब को नशे को अपने कल्चर का हिस्सा मान चुके हैं इसको कैसे देखते हो आप देखिए ये तो पूरा भारत मानता है कुछ चीज़ों को तो हर चीज़ की एक हद होती है ना हम किसी को रोक नहीं सकते जिसका मन है नहीं लेकिन जो ये ड्रग्स आ रही हैं सिंथेटिक ड्रग्स आ रही हैं जब किसी भी अल्कोहलिज़म भी बैड थिंग है और जो ड्रग्स हैं ये हमारी जो नौजवानों की लाइफ स्पैन को छोटा कर रही है उनकी मेंटल एबिलिटीज़ को खा रही है उनके घर को खा रही है वो ऐसे नहीं पता कि किस कौन से गैंगस्टर गैंग ग्रुप में गैंग वॉर में चला जाए वो जो क्या क्या आजकल हिरोन आती है चिट्टा बोलते हैं मंजाब में वो आता है तो ये जो लोग स्मगलिंग कर रहे हैं इन चीज़ों की मैं मेरी कॉन्स्टिटेंसी खरड़ है इसमें गलियों में ना शरयम नशा बिकता है अच्छा तो मेरे पास लोग आते हैं कि ऐसे ऐसे मैडम भी नशा बिक रहा है शरयम बिक रहा है और पुलिस का हाथ है पुलिस का हाथ ऐसे है कि पॉलिटिशियन ने बोला हुआ है कि इसको कुछ नहीं बोलना करने दो तो इसका जब तक हमारे पास पावर आएगी पावर के बाद हम इनको जब पुलिस कंट्रोल में होगी तो पुलिस को क्या पुलिस का क्या है जो ऊपर और पुलिस को समझना चाहिए ना हमारे को कि आप लोग संविधान की कसम लेते हो आप लोग पब्लिक सर्वेंट हो पब्लिक की आपकी जो तनख्वाह जा रही है वो पब्लिक के पैसे से जा रही है आपका लीडर से क्या लेना देना ठीक है जी मैं कुछ एक इंसिडेंट ज़्यादा आ रहा है मुझे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नाज़ीज़ ने यहूदीज पर टॉर्चर किया था बुरी तरीके से है बहुत बुरा टॉर्चर किया उनको मारा पीटा कैंप्स लगाए वहाँ पे मेंटली टॉर्चर करते थे और जब इसका बाद में कोर्ट्स ने डिसाइड किया तो वहाँ के कोर्ट्स ने बोला कि अगर आपको जो वो बोले कि हमें बड़े ऑफिसर ने ऑर्डर दिया हमें इन्होंने ऑर्डर दिया ये लोग हिटलर भी था उस टाइम में तो उन्होंने बोला कि कोर्ट्स ने बोला कि अगर आपको कोई रॉन्ग ऑर्डर दे रहा है वो आप मान नहीं सकते आप लोगों को सर्व करने की कसम खाते हो लोगों को प्रोटेक्शन देने की कसर, कसम खाते हो अगर आपको ऑफिसर या पॉलिटिशन आपको गलत ऑर्डर दे रहा है आप उस गलत ऑर्डर को जो आपके संविधान में लिखा है उसके खिलाफ जा रहा है तो कोई भी पॉलिटिशियन या कोई भी ऑफिसर कुछ भी नहीं है उसके आगे तो सजा आपको भुगतनी पड़ेगी अभी तो ये जो सिस्टम है ना ये होना बहुत ज़रूरी है कि हमारा पुलिस डिपार्टमेंट को यह समझना जरूरी है कि आप पब्लिक प्रोटेक्शन के लिए हो आपका टोटली पब्लिक को सर्व करना है क्योंकि टैक्स पब्लिक दे रही है देखो एक पब्लिक अपना नुमाइंदा लाखों लोग एक पूरे पंजाब में करोड़ों लोग अपना एक चीफ मिनिस्टर चुनते हैं और बाद में चीफ मिनिस्टर आंखें दिखा रहा है करोड़ों लोगों को कि आप भाई आप लोगों ने मुझे वोट भी दिया आप लोगों ने मुझे टैक्स दिया नोट भी दिया अभी मैं आपकी मानूंगा नहीं मैं इसी पुलिस को जिसको आप लोग टैक्स दे के तनख्वाह दे रहे हो जिनके थाने वर्दी तक सब कुछ लोगों के जेब में से जा रहा है मैं नहीं इन्हीं से आपको डंडे पड़वाऊँगा अभी मैं बहुत सूँ अकेला बंदा और ये क्या सिस्टम तो देखो तो सही ना किस कदर जो हमारे लोग बागी हो चुके हैं करोड़ों लोगों की पेश ही नहीं चलने देते क्योंकि वांट रखते हैं वो धर्मों के जाति के नस्ल के इन आधार पे पॉलिटिक्स चल रही है सभी को डिवाइड कर लेंगे इलेक्शन आएगी जोड़ तोड़ लगाएंगे कहाँ पे कितना कहाँ पे कितना सिर्फ़ हमारी पार्टी है जो ये बोलती है कि काम किया तो वोट डाला वरना मत डालना यही हमारी पॉलिसी है इसी वजह से आपने बोला कि आपने पॉलिटिक्स कैसे चूज किया इसी डायलॉग पे चूज किया मैंने कि ये क्योंकि पहले मैंने देखा पार्टी बनी मैंने देखी केजरीवाल जी की स्ट्रगल सिर्फ अन्ना आंदोलन से वो स्टार्ट नहीं हुए उनकी पहले की स्ट्रगल थी वो गली गली में जाके वो प्रचार करते टैक्स के लिए खंबों पर चढ़ जाते थे ये सब कुछ हुआ उसके बाद मैंने देखा पार्टी बनी ठीक है उसके बाद मैंने देखा काम हो रहे हैं ठीक है उसके बाद मैंने देखा कि तीस हज़ार करोड़ का बजट साठ हजार करोड़ पे चला गया है क्या की रिपोर्ट है कि और सिर्फ पूरे इंडिया में सिर्फ एक आ, स्टेट है जो बेनिफिट में सरप्लस बजट में जा रही है और मोदी बोल दे मोदी बोल दे ना कि अगर काम किए तो वोट डालना नहीं किए तो मत डालना हाँ कोई नहीं बोल सकता जी यही है कि मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की इनका जो पैशन देख के देश को बदलने का और इसको इस पार्टी को नेशनल फोर्स बड़ी जल्दी और तेजी से बनेगी कोई भी नहीं रोक सकता पंजाबियों को इस बार सरकार बनानी है ये बनानी पड़ेगी हम लोगों को अपनी टेटू लगाया देती है ये चीज़ मुझे कॉलेज मैंने लाइफ में बनवाया था ये कि आपने कहाँ तक जाना है ये इसकी आपके दिमाग में जो पिक्चर चल रही है वही डिफाइन करता है आ, आपने कहाँ तक जाना है वो दुनिया तय नहीं कर सकती आपका इरादा एम मोटिव क्या है ये आपने सोचना है आपने सोचा है मैंने इंस्पेक्टर बनना है लाइफ में तो इंस्पेक्टर बनोगे आपने सोचा है मैंने डीजीपी बनना है तो वो आपको ले जाएगी जिंदगी वहाँ पे एम बड़ा करो गोल बड़ा करो आप बड़ी प्यारी बात तेरह साल से आपने एक तरह से पब्लिक लाइफ में कदम रख दिया पब्लिक लाइफ में कदम रख दिया आपने भले वो आर्ट एंड कल्चर के माध्यम से हो लिटरेचर के माध्यम से हो फिर गायकी के माध्यम से हो और राजनीति के माध्यम से हो कैसी है पब्लिक लाइफ थकाती है सताती है अकेलापन है या एंजॉय करते हो अकेलापन तो बिल्कुल नहीं है सेलिब्रिटी जोन में अकेलापन है वहाँ पे लोगों को लगता है पता नहीं क्या है ये ऐसे है लेकिन उनकी लाइफ में टोटली अकेलापन होता है मोस्ट ऑफ द पीपल और इसमें तो केलापन कहाँ पे है इसमें तो आपको हर टाइम पब्लिक में यहाँ पे उठ के वहाँ पे जाएंगे तो कोई ना कोई ज़रूर मतलब नींद अच्छी आती है थकावट तो होती है ऑब्वियसली हम सुबह आठ बजे से लगते हैं और रात को बारह बारह बज जाते हैं लोगों के फंक्शन स्टैंड करने लोगों को डोर टू डोर जाके कैंपेन करनी और इतनी लोगों की यहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं वो सुन देख के वो आ जाता है थोड़ी थकावट होती है कि कितना ज़्यादा अभी ग्राउंड पे जाते हैं ना तो एक एक जगह पे जाते हैं लोगों ने ये देखो कि यहाँ पे नए गांव में एक नदी को सुखा के शामलाट की जमीन बेच दी है लोगों के घर बने हुए हैं अभी क्या है उनको बोला गया है कि आप घर ये तोड़ो नहीं तो हम तोड़ेंगे और पैसे भी लेंगे तोड़ने के और वो दस दस साल से उधर रह रहे हैं फिर क्या है कि जो जैसी ले जाते हैं कि घर तोड़ने लगे हैं और जो हमारा लोकल पॉलिटिशियन है वो आगे आके खड़ा हो जाता है कि मैं प्रोटेक्ट कर रहा हूँ ये घर टूट जाएंगे मेरे को वोट डालना इतना लोगों को टॉर्चर किया हुआ है इधर यहाँ पे गांव में पानी नहीं है लोगों के गांव में बसें नहीं जाती खरड़ इतना बड़ा सिटी जहाँ यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है वहाँ पे बस स्टैंड नहीं है छप्पड़ इतने गंदे हैं इतने डेंगू की प्रॉब्लम फैल रही है पूरे एरिया में ये और ये सिर्फ एक गांव की बात नहीं है ये पूरे पंजाब का इशू है स्पेशली यहाँ पे जो शाम लाटों की ज़मीन है जैसे ये हम बैठे हैं आज नया गांव का एरिया है तो नए गांव में तो इन्होंने इतनी हद तक करप्शन की हुई है कि नए गांव को लोगों को इनको दबा के रखा हुआ अपने अच्छे अच्छे फार्म हाउस क्रिएट किए हुए हैं लोगों को इसको टूरिस्ट प्लेस देखो कितना अच्छा बनाया जा सकता है कितने लोग हैं कुछ है ही नहीं इधर लोग नहीं और इतना ब्यूटीफुल सीन है सो so, इसको अच्छा डेवलपमेंट किया जा सकता है अगर सरकार चाहे सब कुछ पॉसिबिलिटी है जो ये लोकल इश्यूज़ हैं इसको सरकारें सॉल्व नहीं करती एम के बड़े बड़े महल हैं इधर एम सी मेहरान हूँ एम के इतने बड़े बड़े महल क्योंकि लोगों को अगर लोग फैसिलिटीज मांगते हैं तो उनको बोला जाता है कि भाई आपकी तो ज़मीन ही शाम लाटकी है रजिस्ट्री जैसे जगह इधर ली हुई है रजिस्ट्री है किसी पहाड़ के एरिए की अच्छा। यहाँ तक करप्शन है और जब वो बोलते हैं कि हमें बिजली वो बिजली भी खंबे खुद लगवा रहे हैं वो पानी का सिस्टम खुद कर रहे हैं वो सड़कें गलियाँ खुद बनवा रहे हैं लोग और पानी का सिस्टम खुद कर रहे हैं उनको जब वो कंप्लेंट डालते हैं बोलते हैं आपका तो एरिया इलीगल है रजिस्टर्ड नहीं है ये नहीं है वो नहीं है चलो सारा कुछ ठीक है और लोगों ने मान रखा है मैं अभी एक दो दिन पहले गई मैंने काफ़ी टाइम बैठी रही तो मैंने कहा फिर एमसी कैसे इलेक्ट कर रहा है इधर से वोट कैसे बनी हुई आप लोगों की एमसी जो म्यूनसिपल कमेटी है हाँ है। जी हाँ जी तो वो कैसे वो नॉमिनेट कैसे हो गए इस एरिया से अगर ये इलीगल एरिया है यहाँ से आप लोगों को टैक्स तो कलेक्ट कर रहे हो तो एमसी कैसे बन रहा है फिर तो इस एरिया के इलीगल एरिया का तो एम भी नहीं होना चाहिए तो इतनी शरेआम करप्शन है इतनी मतलब कि आप सोच ही नहीं सकते इतनी करप्शन है जिसकी कोई हद ही नहीं है ऐसे ही बेच रहे हैं पहाड़ों की जमीनें बेच रहे हैं नदियों को सुखा के बन मार के गांव बना दिया गया है रोज जितने टोटल नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको बंद किया जा रहा है गांव में पानी नहीं आ रहा है सत्तर साल हो गए अभी तक हमें बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं मिली ये अगर हम ये काम करते हैं ये रेवोलूशनरी काम तो मुझे नहीं मुझे लगता है नहीं होगा ये तो ज़रूरत है उनकी बेसिक बेसिक कम्यूनिटी रही है यस दस ग्यारह महीने से किसान बैठे हैं दिल्ली की सरहद पर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आंदोलन चल रहा है चारों तरफ देश के किसान की बात हो रही है एक कानून को बस विड्रॉ करने की उनकी पंजाब से वो आंदोलन चला आज पूरे देश में उसकी आवाज़ है लेकिन सरकार है कि उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा क्या मैसेज है जो पंजाबी आप सरकार तक देखिए हम जो पंजाबी लोग हैं ना हमारा काम ही खेती बड़ी है मोस्ट ऑफ दी जो हमारी इकोनॉमी इंडस्ट्री चलती है ज़्यादातर खेती बाड़ी बेस्ड है और एमएसपी ये पहले नहीं दे रहे दो फसलों के अलावा हम उसी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं तो अभी क्या है अभी ज़मीनें ले लोगे हमारी अगर कोई प्राइवेट बंदा प्राइवेटाइजेशन तो आप कर रहे हो और टैक्स भी ले रहे हो तो टैक्स बंद कर दो फिर हम देखेंगे किसको ज़मीन देनी है अभी कौन सी कंपनी सस्ता तेल दे रही है और सबसे बड़ी बात मुझे समझ नहीं आ रहा है इस पर चर्चा क्यों नहीं होती पहले हम गाड़ी लेते हैं हम रजिस्ट्रेशन फीस देते हैं और हम रोड टैक्स देते हैं तो टोल टैक्स क्यों रोड टैक्स तो हमने दे दिया है ऑलरेडी ये टोल टैक्स का सिस्टम क्यों है टोल टैक्स तो और मतलब कि ये तो सीधा कोई क्वेश्चन करे कि रोड टैक्स ले लिया गया तो टोल टैक्स का क्या मतलब तो है? साल का रहे और यो इतना आप लोगों से टैक्स ले रहे हो डीजल पे पैंतीस पे, रुपये के डीजल पे आप सौ रुपये का हो गया पैंसठ पे, रुपीज़ आप एक गरीब से भी अगर एक गरीब बंदा एक लीटर तेल यूज़ कर रहा है तो महीने का दो हज़ार तो वो खाली तेल में दे रहा है सरकार को तो ये जो टैक्स कलेक्शन है प्राइवेटाइजेशन हर एक चीज़ की कर रहे हैं वो चाहे खेती बाड़ी जैसे अभी बाहर से वो बोल रहे हैं कि बिल्डर जो भी इनके आएंगे वो जो कॉरपोरेट घराने हैं वो आएंगे तो एक जो बिजनेस मैन है उसने ये देखना है कि मैंने सामने वाले को कम पैसे दे के अपना मुनाफा कैसे करना है तो हमारी खेती डेवलप कैसे होगी आप टोटली प्राइवेट सब कुछ कर रहे हो और टैक्स भी ले रहे हो ये तो कोई मैच नहीं हुआ ना या hmm. तो आप प्राइवेटाइजेशन मत करो तो ये जो सिस्टम है एम देनी नहीं है और एम की गारंटी लिख के नहीं देनी कैसे बोल रहे हैं कि हम देंगे हमने कब मना कर दिया हमने कब वापस ले ली आपने बिहार में क्या हाल किया है मंडीकरण सिस्टम ख़त्म करके बिहार का कूड़ा कर दिया पूरे का पूरे का तो किसान रो रहा है किसान बिहार के ज़मीनों वाले किसान हमारी जगह मजदूरी कर रहे हैं बिल्कुल तो ये इस बातें मोदी सरकार को समझनी चाहिए कोई भी प्रधानमंत्री करोड़ों लोगों से बड़ा नहीं है आप लोग की गाड़ी आपका हवाई यात्रा आपका विदेश यात्रा आपका सारे का सारा सिक्योरिटी सिस्टम हम लोगों के टैक्स में से जा रहा है आप करोड़ों लोगों से करोड़ों किसानों की आवाज़ से खाली खुद क्यों तानाशाह बन के बैठे हुए हैं आप ये देखो कि जो दूसरे देशों में तानाशाह पैदा हुए उनका नतीजा क्या निकला आप क्यों इतने लोगों की बदुआएँ ले रहे हो अरे भाई अभी सुनो ना सोनो किसानों की सोनो वो बैठे हैं लाखों की गिनती में अलग अलग सूबों से आए हुए आपके दर पे बैठे हैं दिल्ली में बैठे हैं शहीद हो गए हैं सात सौ किसान कितनों की शहीदी और चाहिए आपके मंत्रियों के बेटे कुचल कुचल के किसानों के ऊपर गाड़ियाँ चढ़ा रहे हैं कोई गोली मार रहा है ये क्या हो गया देश में ये मोदी को हमारे देश के प्रधानमंत्री को इसके भुगतान करना पड़ेगा इनकी सत्ता जाने वाली है अभी इनकी सता जाएगी सता तो जाएगी जाएगी लेकिन जो अपराध किए हैं उसकी भी सजा मिलेगी उम्मीद है कि पंजाब फिर से देश में सोने की चिड़िया बनेगी और आप सब लोग मिलकर जो आगे पंजाब को लेकर जाने की एक दृढ़ निष्ठा रखते हैं उसके लिए रीढ़ की हड्डी बनेंगे इस पंजाब की पंजाब के लिए आज का समय आपने निकाला बहुत शुक्रिया और हम लोग अभी तक दिल्ली के एम से और दिल्ली के हमारे लीडर से बात कर रहे थे आज पहली बार आपसे मेरा इंट्रोडक्शन हुआ और आपसे पहली बार बात हुई हमारी बहुत अच्छा लगा ऐसा लग रहा है कि पंजाब में एक एक नई लहर है जो एक संकल्प मान चुकी है कि पंजाब को बेहतर पंजाब बनाना है और उम्मीद है कि इसी संकल्प के साथ आप लोग काम करोगे जैसे हम लोग दिल्ली में करने की कोशिश कर रहे हैं कुछ एक चीज़ जो आपको आ, हमारे दिल्ली में किए काम में बहुत अच्छी लगती है बहुत प्रभावित करती है देखिए दिल्ली का आ, सारे के सारे जितने भी काम है ना जो वहाँ पे करप्शन दूर करने की केजरीवाल जी ने वहाँ पे दिन रात कोशिश की चाहे सेंट्रल सरकार कोशिश कर रही है और उनका जो ईमानदारी से काम करने का तरीका है उनका ये डायलॉग की काम किया तो वोट डालना वरना मत डालना इसी इसी डायलॉग में उनके सारे के सारे काम आ जाते हैं वो किसकी मैं तारीफ एक चीज़ की नहीं कर सकती चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक हॉस्पिटल बिजली पानी सब कुछ लोगों को एकदम फ्री में दे रहे हैं और ये कई फ्री फ्री करते हैं वो लोगों का ही पैसा है सो तो सारा काबिल तरीफ़ है उनका काम उनका जज्बा और उनको हम सल्यूट करते हैं और उनके वो दिन की वेट कर रहे हैं जब वो नेशनल फोर्स बन के हमारे देश की बागडोर अपने हाथ में लेंगे और हम उनके सिपाही बन के उनके बच्चे बन के उनके साथ काम करेंगे एक आखिरी सवाल एज अ मैंने पहले भी आपसे पूछा था महिलाओं के लिए पंजाब की महिलाओं के लिए जो Uh, मतलब हम जब सोशल मीडिया पे बात करते हैं या हम जब ओवरऑल एक मंच देखते हैं कि ऑडियंस में तो बहुत मतलब एज अ बेनिफिशरी या एज अ ऑडियंस या एज अ वोटर बहुत सी महिलाएं हैं जो राजनीति में प्रवेश कर चुकी हैं राजनीति में हिस्सेदारी रखती हैं अपनी ओपिनियन रखती हैं घर में बात भी करने लगी है लेकिन अभी भी राजनीति के मुख्य पटल पर अभी भी राजनीति के सेंटर स्टेज पर वो आने से कतराती हैं बचती हैं उनको आपका क्या मैसेज है देखो उनको मैसेज एक तो सोसाइटी को मैसेज है कि जो हमारी पॉलिटिक्स में लोग हैं कि महिलाओं को आ, आगे लेकर आए महिलाएं अगर घर चला सकती हैं तो देश भी चला सकती हैं सूबा भी चला सकती हैं उनको मौका दो अपना हल्का संभालने का और आ, सबसे पहले ना उनको कंफर्टेबल फील करवाना पड़ेगा जब हम वो पॉलिटिक्स में आती हैं सम टाइम उनको लगता है हमें स्पेस नहीं मिल रही हमें इग्नोर किया जा रहा है ज़्यादातर कैंडिडेट्स हमारे मेल होते हैं तो महिलाएं पीछे रह जाती है और महिलाओं को भी कोशिश करके आगे आना चाहिए आ भी रही हैं समटाइम मैंने ऐसी लड़कियां देखी हैं जो मुझे अभी मेरे साथ जुड़ी हैं और बोलती है कि पहले हम लोग पॉलिटिक्स में थे हमें स्पेस नहीं मिलता था हमें कोई आगे नहीं करता था हमें बोलने का मौका नहीं मिलता था सो महिलाओं को ये लड़कों को अभी वो लड़का लड़की वाला डिफरेंस काफी खत्म हो चुका है सोसाइटी में अभी दोनों साथ में ग्रो कर रहे हैं तो so जब लड़के लड़कियों को मेल uh, फीमेल्स को साथ में लेकर चलेंगे ना उनको कंफर्टेबल फील कराएंगे सिक्योरिटी फील कराएंगे तब तो महिलाएं बढ़ चढ़ के पॉलिटिक्स में आएंगी क्योंकि अभी भी वो उनमें वो चीज़ है वो हमें माननी पड़ेगी कि वो इनसिक्योर हो जाती हैं इन चीज़ों को लेकर जी और वैलिड रीजन है उसके हाँ जिसको हमें सबको मिलकर दूर करना पड़ेगा बिल्कुल डेफिनेटली हम लोग जब आ रहे थे पंजाब में और आपके बारे में पढ़ रहे थे तो मन में आया था कि आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि कुछ दो लाइन है जो भी आपको देश के लिए आप गुनगुनाना चाहें गाना चाहें ताकि बहुत दिनों बाद हम आपकी ऑडियंस आपको सुन पाए जी मैं कोशिश कर लेती हूँ मुझे तो बिल्कुल गाना बिल्कुल मैंने गाय की छोड़ दी है मैंने बिल्कुल भी बिल्कुल जब पहले अनाउंस करके क्योंकि एक ही बेड़ी में सवार हो वो अच्छा रहता है नहीं ठीक है कभी कभी अकेले में जैसे कभी गुनगुना रहे हैं उस तरह हाँ जी ਮੈਂ ਇੱਕ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਗਾਣਾ ਹੈ ਉਸ ਕੋ ਥੋੜੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਸੋ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰੈਸੈਂਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਕਿ ਉਸ ਪੇ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਾ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਉ ਤਕੜੇ ਹੱਥ ਅੱਜ ਵੀ ਡਾਂਗਾ ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਲਈ ਚੋਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਧਾ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਪਾਲਦੇ ਜੱਟ ਪੀੜੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਧਾਰਾਂ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੀਂ ਪਗਤ ਸਿਆ ਓਏ ਐਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੀਂ ਵੀਰਿਆ ਜੀ ਕੀ ਬਾਤ ਕੁਝ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕੇ ਲਈ ਇਸਕਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਰੂਰ ਬਤਾਓ ਦੇਖੋ ਇਨਕਾ ਸਿੰਪਲੀ ਜੋ ਮਤਲਬ ਯਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀ ਤਕੜਿਆ ਥੱਜ ਵੀ ਡਾਂਗਾ ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਦੀ कि जो पावरफुल लोग हैं उनके हाथ में आज भी डंडा है जो लोग दबाने के लिए तो चोरानू मिली सुरक्षा सादा नु लूटण ले जो चोर है वो उनको वो सिक्योरिटी दी जाती है कि सादों को लूट हो जाके जो चोर है आपको पता है कौन है सबसे बड़े चोर हमारे पॉलिटिशियन है पालदे जट पीढ़ी आज भी उधारों पे जो हमारे जिम्मेदार हैं वो आज भी जो अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी पाल रहे हैं लड़कियों की शादी कर रहे हैं वो उधार लेके कर्जा लेके कर रहे हैं सो ये सिचुएशन बयान करती है कि गुस्सा ना करी पक्ष से ना सरकार थे उसको ये है कि आज तो ऊपर है अब इस देश के लिए बलिदान दिया तूने इस देश का रस्सा चूम के डाला गल में तो अभी भाई इतना गुस्सा मत करना हम ठीक करेंगे सिस्टम ये जो सिस्टम चल रहा है वो आपको अच्छा नहीं लगेगा और ज़रूर है आ, मुझे उम्मीद है कि भगत सिंह जहाँ भी होंगे वहीं से हमें ऊर्जा दे रहे होंगे देते रहे हैं और हाँ, देते रहेंगे उनकी सोच काफ़ी है उसकी सोच इंसान जब चला जाता है ना जो अच्छे काम करके जाता है उसकी सोच जिंदा रहती है वो हम लोगों में जिंदा है और भगत सिंह ने अपनी फांसी की सज़ा माफ़ करवाने के समय पे भी यही तर्क दिया था कि यदि मैं अपनी माफी माफ़ी मांग लूँगा या किसी तरीके से माफ़ीनामा दूंगा कि मुझे मेरी सजा को माफ़ कर दिया जाए ਤੋ ਜੋ ਮੈਸੇਜ ਮੈਂ ਉੱਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਣਾ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ ਜੋ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਾਣਾ ਚਾਹਤਾ ਵੋ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਇਗਾ ਜੋ ਅੱਜ ਹਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੂੰ ਕਿ ਵੋ ਜਹਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਵਹਾਂ ਸੇ ਹਮੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਗੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਨਕੋ ਵੋ ਹਮਾਰੇ ਦਿਲ ਮੇ ਬਸਤੇ ਹੈ ਹਮਾਰੀ ਸੋਚ ਮੇ ਬਸਤੇ ਹੈ ਪਗ ਸਿੰਘ ਪਗ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੋ ਇੱਕ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਵਾਹੀ ਗਰੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਚ ਪੈਦਾ ਕਰੇ या ऐसे भगत सिंह घर घर पैदा होने लग गए तो अभी वो चीज़ आनी शुरू हो गई है हम लोग उन्हीं के बहन भाई हैं उन्हीं के पंजाब से पैदा हुए हैं सो हम लोगों में जो अगर सरकारें इतने जुल्म करेगी तो फिर सभी सभी को भगत सिंह दोबारा से बनना पड़ेगा इस चीज़ के लिए इस सरकारों को जो कर रही हैं उनको सोचना चाहिए बहुत शुक्रिया आज आपकी विधानसभा में हम इतनी प्यारी जगह पर बैठे और उम्मीद है कि जब दोबारा आएंगे पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार होगी और ये स्पेस एक नया तरीके से इसको ताज़ा करिएगा आपने बहुत अच्छा इंटरव्यू किया बहुत अच्छा लगा आप काफ़ी चीज़ें जो पहले कभी किसी को बताई नहीं वो आज मैंने शेयर की बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक यू आप सबका